हाय एवरीवन, दिस इज मी अली मिर्जा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर। नाउ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके पुराने लैपटॉप जो आप परचेस करे होंगे, आई थिंक 3 to 4 ईयर बैक जो भी आप परचेस करते हैं, आप यूज करते रहते हैं लैपटॉप तो आपको प्रॉब्लम आता है। जब आप नया लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस पूरा परफेक्ट चलता है, यूज करते करते आपको क्या प्रॉब्लम आता है वो तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद उसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है, रैम कम होने लगता है उसके अंदर। सबसे पहले मैं इसका लैपटॉप का मॉडल नंबर बताऊंगा आपको। लैपटॉप के बैक साइड में आके ये रहा लिनोवा आइडियापैड G30S i5 14 IKV U सीरीज का ये लैपटॉप है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बता दूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन कंपनी से क्या आया था। ये कोर i5 8 जनरेशन का ये लैपटॉप है, 2019 सीरीज का ये लैपटॉप है जो 4GB रैम 1TB हार्ड ड्राइव के साथ आया था। लास्ट वीडियो में हम इसमें अपग्रेड करे थे, 512GB का SSD अपग्रेड करे थे। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग का 8GB 266V का ये रैम है, इसमें अपग्रेड करके 12GB रैम कर देंगे, 512GB SSD 1TB हार्ड ड्राइव हो जाएगा, तो हमारे को इजीली इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पहले फुल वीडियो वॉच करिए, पूरा देखिए कैसा इसको ओपन करना है, कैसा क्लोज करना है, कैसा अपग्रेड करने का है। उसके बाद में जो है आप लैपटॉप को टच करिए, ओपन करिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो नियर बाई शॉप पे भी जाके करवा ले सकते हैं। ये रैम का, SSD का और हार्ड ड्राइव का जो जो भी लिंक का है, SSDs के, किंगस्टोन, सैमसंग, एनी ब्रांड के, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर लिंक जाके आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हम लैपटॉप के बैक साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे स्क्रूज है, तो सबसे पहले आपको स्क्रूज ओपन कर लेने का रहेगा, उसके बाद पैनल ओपन करना रहेगा। अभी हम इसके सबसे पहले स्क्रूज ओपन कर लेंगे 1 by 1 करके। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सारे स्क्रू हमने ओपन कर दिए हैं, एक स्क्रू यहाँ पर मिसिंग था, तो हम जो है उसका स्क्रू नेक्स्ट टाइम लगाएंगे, अभी तो प्रेजेंट नहीं है स्क्रू। इसका सेम साइज का स्क्रू मिलना मुश्किल रहता है लैपटॉप के। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे थोड़ा। ये पैनल ओपन होने के बाद से आपको ये एज कॉर्नर से ओपन करना रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो अभी हम ये ओपनर की मदद से, ये ट्रायंगल का ओपनर रहेगा प्लास्टिक का, इसकी मदद से हम इसको ओपन करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं टूल किट का पूरा, आप वहाँ से परचेस करके भी ओपन कर सकते हैं। इसको स्लोली स्लोली आप जो है सो ओपन करिए। ये साइड्स थोड़ा ओपन हो गया है, उसके बाद है ये। आप लैपटॉप पहले एक हाथ से पकड़िए, उसके बाद इसको आप ओपन करते रहिए स्मूथली स्मूथली, नहीं तो लैपटॉप गिर गया तो स्क्रीन ब्रोक होने के चांस रहेंगे। अभी यहाँ से भी हमारा हो गया है, अभी हम ये लैपटॉप का पैनल जो था उसको डाउन कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो पैनल को मूवमेंट देते हुए हम जो है इसको ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या वर्क करना रहेगा बोले तो कुछ भी, हार्डवेयर को वर्क करने से पहले ये बैटरी का यहाँ पर आपको कनेक्टर है, ये बैटरी का कनेक्टर आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। ये आप कनेक्टर पकड़ के बैक साइड पुश करें तो आपको ये कनेक्टर निकल जाएगा। अभी हमारा पावर कट आउट हो गया है बैटरी से पूरा। अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। लास्ट टाइम इस वीडियो में हम करे सो ये हार्ड ड्राइव था, हम डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव को रख दिए। इसमें SSD 512GB का डाले थे आपको यूज करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जो गेमिंग करते हैं लैपटॉप में, एडिटिंग हमारा ऑटो कैड वो ये चलता है पूरा इसमें। और जैसे यहाँ पर फैन है, इसमें भी डस्ट का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 वीक बैग ही हम इसमें SSD डाले थे, तो अभी इसमें रैम सफिशियंट नहीं हो रहा है 4GB का, तो हम 8GB इसमें और अपग्रेड करने वाले हैं। तो इसमें पहले हम ये स्क्रूज ओपन कर लेंगे। स्क्रूज ओपन होकर बाद आपको यहाँ से प्रेस करके जैसे उसको निकालना रहेगा। यहाँ लॉकिंग सिस्टम रहता है, लॉकिंग सिस्टम सब निकाले बाद से यहाँ पर आपको रैम का ऑप्शन है, ये डेडिकेटेड आपको 1 स्लॉट दिया है कंपनी वाला, और इंटीग्रेटेड जो आपको एक है ऑलरेडी इसके अंदर 4GB रैम, तो ये लास्ट सपोर्टिंग है, 12GB रैम ही सपोर्ट करेगा इसको, ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपको क्लोजअप के लिए को एंगल चेंज कर दूंगा। ये रहा हमारा सैमसंग का DDR4 8GB रैम 266V सीरीज का ये रैम है। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसका भी लिंक आपको जो है सो रैम का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। 3 ईयर वारंटी के साथ ये रैम आता है, सैमसंग का ये रैम है, PC4 DDR4 रैम है ये 266V। अभी हम यहाँ पर अपग्रेड करने वाले हैं, जैसा कि आप देखिए अभी मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये रैम लगाए बाद से आपको प्रेस करना रहेगा। अभी देखिए मैं ये रैम प्रेस कर दिया बाद से जो है सो आपको ये नॉचेस रहेंगे इधर लॉक्स, यहाँ पर आपको प्रेस करें तो ये लॉक्स बैठ जाएंगे। ये हमारा बैठ गया है रैम, ये सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो गया है। ये बहुत इजी स्टेप है, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। अभी ये रैम अपग्रेड हो गया है हमारा, ऑलरेडी SSD में सॉफ्टवेयर था, अभी हमारा ये 12GB रैम, 512GB SSD 1TB हार्ड ड्राइव है इसके अंदर। हम इसमें अच्छा अभी जो है एडिटिंग वेडिटिंग हमारा बेसिक एडिटिंग और जो भी गेमिंग करते हैं हम बेसिकली
वो हमारा पूरा सक्सेस हो जाएगा। अभी हम यहाँ का वापस से कवर लगा देंगे इसमें। जैसा आपको यहाँ पर बताया था लॉकिंग सिस्टम रहता है, बोल के लॉकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको इसमें कवर लगाना रहेगा। यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। उसके बाद जो इसको हम लगाएंगे इसके स्क्रूज, ये पूरा हो गया है फिक्सिंग। उसके बाद लास्ट लगाएंगे हम बैटरी जैसा निकाले थे। अभी मैं आपको यहाँ से बैटरी लगाना बता रहा हूँ। एलसी लगा के आप जैसा वो प्रेस करना रहेगा। ये बैटरी पूरा फिक्स हो गया है, जैसा कि आप देखिए ये बैटरी पूरा फिक्स हो गया है। पूरा अंदर जाना रहेगा आपको, पूरा अंदर के बाद आपको पूरा चिपक जाएगा ये। उसके बाद आपको परफेक्टली इसमें इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसको करेंगे वापस से बेस पैनल पैक। जैसा कि आपने देखा है कि हमने लैपटॉप को कैसा ओपन किया स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद कैसा आप रैम अपग्रेड करें, आपको इस वीडियो में क्लियर एंड कट बताया है आपको कैसा उसमें बैटरी रिमूव करना है, फिर उसके बाद में आपको वर्क करना है, उसके बाद में फिर बैटरी लगाना है आपको। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।